तो यार आज की वीडियो बहुत ही कमाल की वीडियो होने वाली है, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है, क्योंकि यार आज हम बात करने वाले हैं सिम पोर्ट के बारे में। यानी कि अगर अपनी सिम को पोर्ट करना चाहते हैं किसी अदर नेटवर्क पे तो कैसे करेंगे। सपोज अगर आपके पास में एयरटेल का सिम है जिसे आप आइडिया या वोडा या जियो में पोर्ट करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, या आपके पास में जियो का सिम है और आप उसे वोडाफोन या एयरटेल में पोर्ट करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, या आपके पास में कोई भी नेटवर्क है जिसे आप अपनी किसी दूसरी सिम में चेंज करना चाहते हैं, जैसे कि एयरटेल का आइडिया, वोडा आइडिया, वोडा जियो में, या जियो का एयरटेल वोडाफोन में, या एयरटेल का जियो और वोडाफोन में। तो इस तरीके से अगर आपके पास में जैसे कि आइडिया का सिम है तो आप उसे पोर्ट करना चाहते हैं वोडाफोन में या एयरटेल में या जियो में तो कैसे करेंगे, उसी के बारे में आज हम बात करेंगे कि आप अपने फोन से कहीं बिना कहीं जाए मतलब अपने ही फोन से कैसे पोर्ट करेंगे, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सब कुछ इस वीडियो में बताएंगे। तो गाइस वीडियो को एंड तक जरूर देखना और वीडियो को कहीं भी स्किप नहीं करना है, वरना आप समझ नहीं पाएंगे कैसे पोर्ट करते हैं। इसके लिए आपको कहीं नहीं जाना पड़ेगा, बस आपको वीडियो को एंड तक देखना है। तो यार शुरू करते हैं आज की वीडियो को, और वीडियो शुरू करने से पहले बता दूंगा कि अगर आप चैनल पर नए आए हो तो मेरा नाम है हरीफ और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल टेकी मिर्जा। अगर आप चैनल पर नए हो तो इधर चैनल को सब्सक्राइब कर लो और साथ में बेल आइकन दबा दो और ऑल पे सेट कर दो, जिससे हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो अब शुरू करते हैं वीडियो को। तो यार अब आपको क्या करना है, अब आ जाना अपनी मोबाइल स्क्रीन पर। मोबाइल स्क्रीन पर आने के बाद में गाइज हमें क्या करना है, हम जाएंगे अपने मैसेज बॉक्स में। तो हम मैसेज को ओपन कर लेते हैं, ये रहा हमारा मैसेज, अब इसे हम कर लेंगे ओपन। ओपन करने के बाद में गाइज आपको मैसेज सेंड करना है, प्लस के आइकन पे क्लिक करना है, ये नीचे आपको दिख रहा होगा प्लस वाला, तो इस पे गाइज आपको क्लिक करना है। तो जैसे ही क्लिक करेंगे गाइज आपको मैसेज को टाइप करना है, तो नीचे हम टैप करेंगे और इस पे लिखेंगे, कैपिटल में आपको लिखना है PORT, पोर्ट लिख देना है, कैपिटल में ही लिखना है। उसके बाद में गाइज जो भी नंबर आप पोर्ट करना चाहते हैं वो नंबर आपको यहाँ पे डाल देना है, तो मैं एक नंबर डाल दे रहा हूँ। तो अब दूसरा नंबर डाल दें जिससे कि मैसेज भी आ जाए, जिससे आपको कंफर्म हो जाए, तो हम ये नंबर डाल देंगे और मैसेज को ऊपर आप मैसेज को 1900 लिख देना है, यानी कि 1900 पे मैसेज को सेंड कर देना है। तो हमने मैसेज को सेंड कर दिया। अब कुछ देर के बाद में गए आपको एक मैसेज आ जाएगा, तो वो कैसा होगा गाइज अब देख सकते हैं, आगे मैं दिखाऊंगा। मैसेज रिसीव हो जाने के बाद में गाइज आपको मैसेज आएगा। तो यार ये मैसेज आ गया, अब गाइज इस मैसेज को आप क्या करना है, इसमें आपको पोर्टिंग कोड दिया होगा और अब आपको क्या करना है, आप जो भी जिस भी किसी भी नंबर में आप चेंज करना चाहते हैं, जैसे कि आपका एयरटेल का है तो आप वोडा में करना चाहते हैं तो आपको वोडा के कम्युनिकेशन सेंटर पर जाना है, वहाँ पे ये नंबर दे देना है और आपको आधार कार्ड लेकर जाना, जिससे कि आपको सिम दे देगा। अगर आप अदर किसी में करना चाहते हैं तो अदर कम्युनिकेशन पर जा सकते हैं, जैसे आइडिया पर कराना चाहते हैं जियो में तो उसमें भी वहाँ जियो पर जाएंगे तो वो वाला ये वाला कोड दे देंगे और आप आधार कार्ड, जैसे कि वो आपको दूसरी सिम निकाल कर दे देगा। तो इस तरीके से आप अपनी सिम को पोर्ट कर सकते हैं किसी भी नंबर पर। तो यार इस तरीके से आप अपनी सिम को किसी भी नेटवर्क में पोर्ट कर सकते हैं, एयरटेल, वोडा, आइडिया, किसी भी सिम को पोर्ट कर सकते हैं अपने फोन से। तो यार कैसी लगी वीडियो कमेंट में जरूर बताना, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना, और हाँ गाइज इधर चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ में बेल आइकन दबा देना और ऑल पे सेट कर देना, जिससे हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।